हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गैस ट्रांसफर करके बताएंगे, बड़ा वाला सिलेंडर से छोटा वाला गैस सिलेंडर में कैसे गैस ट्रांसफर किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जानकारी देंगे और प्लस हम ट्रांसफर करके भी बताएंगे। गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको जो है एक नोजल लेना है, कुछ इस टाइप से आपको मार्केट में मिल जाएगा। कोई भी गैस वाला दुकान पे जाइए तो उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद बोल सकते हैं कि मुझे गैस ट्रांसफर करने वाला एक नोजल चाहिए, तो आपको इस टाइप से दे देंगे गैस ट्रांसफर करने वाले नोजल। 100 मैंने लाया था, अब शायद बढ़ गया होगा दाम। मैंने 2-3 साल पहले ही इसे परचेस किया था तो उस टाइम 100 रुपया मुझे दिया था, अब कहीं बढ़ गया हो तो कैसे ट्रांसफर करना है, चलिए ट्रांसफर करके हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज आपको क्या करना है, छोटा वाला सिलेंडर में इस चूल्हे को हटा लेना है कुछ इस टाइप से। हटाने के बाद गाइज क्या करना है, जिसमें आपको ट्रांसफर करना है खाली वाला जो है छोटा वाला, उसमें आपको ये टाइट कर लेना है गाइज। तो पूरी तरह से टाइट फिटिंग करना है कुछ इस टाइप से, पूरी तरह से टाइट कर लेना है। अगर आपके पास रिंच उंच हो तो रिंच से भी टाइट कर ले, क्योंकि ये गैस वाली बात है, लीक नहीं होना चाहिए। तो टाइट कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से। अब टाइट हो गया गाइस, देख सकते हैं टाइट हो गया। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला सिलेंडर को खोल करके पलटी करेंगे। तो गाइस अब क्या करेंगे, देख सकते हैं ये बड़ा वाला सिलेंडर जो है छोटा वाला सिलेंडर पे हमको डालना है कुछ इस टाइप से। गाइस देख सकते हैं गैस जा रहा है कुछ इस टाइप से। आपको गाइस क्या करना है, डालना है आपको 2-2, 3-3 मिनट पे जो है हटा करके चेक करते रहना है ताकि आपका गैस भर रहा है या नहीं भर रहा। अब आपको पता कैसे करना है कि आपका गैस छोटा वाला सिलेंडर में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, एक वेट मशीन रखना या तराजू कुछ भी हो, तराजू पे आपको क्या करना है, वेट कर लेना है पहले सिलेंडर को वेट करेंगे। और गाइस जैसे ही इसमें डलाएगा तो ऑटोमेटिक है वजन बढ़ेगा, तो उस टाइप से आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि आपके छोटे वाले सिलेंडर में गैस जाता है या नहीं जाता है। वैसे मैं तो अंदाज़ा से भी चेक कर लेता हूँ, मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ जो इसमें गैस गया या नहीं गया, क्योंकि वजन से गाइस तो वजन इसमें ज़्यादा बढ़ेगा गैस जाएगा, ऑटोमेटिक है वजन बढ़ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से गाइस आप लोग भी अपने घर पे बड़े वाले सिलेंडर से छोटे वाले सिलेंडर में गैस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली तरीका से। बस वही है गाइस, ये छोटा सा नोजल आपको लेना पड़ेगा, ये छोटा वाला नोजल ले लेंगे, 125 मिल जाएगा अभी भी मार्केट में। ये छोटा वाला नोजल लेने के बाद अब जो है गैस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली वे में। तो गाइज आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइज अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि गाइज देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारा वीडियो बना के रख रखा है बट गाइज कोई लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और जितने भी इसमें वीडियो है इस चैनल पे गाइज आप लोग देख सकते हैं, सारा नॉलेजेबल वीडियो है गाइज, तो आप लोग देख ही सकते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।